हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट, ये मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल का अगला टॉपिक है। सो अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल अगर आपने समझना है तो आप मेरे यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। प्लस इसको समझने से पहले आपको थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। सो वो भी आप यहाँ पे आई टैब पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, मेरे पुराने वीडियो थोड़ा एक बार देख लें, उसके बाद इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। वैसे नहीं देखोगे तो भी समझ में आएगा, बट उससे ज़्यादा अच्छा आएगा, राइट। सो देखिए आप यहां पे लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर में होता गया है, अभी जो हम पहले कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे। तो हम वहां पे दो पॉइंट मतलब पॉइंट निकालते थे और उस पॉइंट पर हम क्या करते थे, चेक करते थे कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो यहां पे क्या होता है कि आपने जो पॉइंट निकाला, राइट, वो पॉइंट जिस पे आप मैक्सिमा मिनिमा चेक करोगे, वो पॉइंट एक कंडीशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। मतलब साथ में आपको मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना है, पर जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो उस कंडीशन को क्या करना चाहिए, एक कंडीशन भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में गिवन होगी और वो उस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड यूज करना है। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन करूं दो यहां पे कि फाइंड द थ्री नंबर्स हुज सम इज 9 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो आपको मतलब तीन नंबर ऐसे हैं जिनको पता करना है कि इन तीन नंबर को जोड़ने पर 9 आता है, पर इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो बताओ वो नंबर कौन कौन से होंगे, तो ऑब्वियसली वो 333 होंगे, राइट। पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएगी, फाइंड द थ्री नंबर हुज सम इज 9, पर उनका जो फर्स्ट और स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एंड क्यूब ऑफ द थर्ड इज मैक्सिमम। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड का यूज होगा। एक जैसे एलिप्सॉइड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एलिप्सॉइड है, उसको आपको पैडलोपैड के अंदर रखना है, तो बताओ वो कितने मैक्सिमम का वॉल्यूम का आप उस पैडलोपैड के अंदर रख सकते हैं, है ना। तो और ऐसे स्फीयर और क्यूब वाले क्वेश्चन भी है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है जिसको हम लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड से इजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो देखिए आप यहाँ पे एक एफ दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल लेंगे और एल इज इक्वल टू होता है एफ प्लस लैम्बडा जी, है ना। जो भी कंडीशन होती है वो लैम्बडा के साथ लगती है, ध्यान रखना, है ना। मतलब जहां बराबर कुछ भी आपको गिवन होगा वो उसको आप कंडीशन मान लीजिए। इसको क्या करिए, जैसे इस क्वेश्चन में अगर बाई चांस आपके पास ये दे रखा होता है कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 1, तो इस 1 को इधर लाते, राइट, और फिर इसको आप जी मान लेते, खैर यहाँ तो जी ऑलरेडी आपको गिवन है, राइट। तो ये हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस लैम्बडा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वन, एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एक्स टू एक्स थ्री लैम्बडा इज इक्वल टू 0, है ना, वही एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0। मैं आपको मैथड क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, है ना, मैंने कोई अलग से आपको स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करी है ना, मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि मेथड क्या है, राइट। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू, तो ये आएगा एक्स वन एक्स थ्री प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स थ्री, तो ये आएगा एक्स वन एक्स टू प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो ये आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशन से ये आपके पास चार इक्वेशन मिलेगा ना, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री और लैम्बडा, इन चारों इक्वेशन की हेल्प से आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू निकालनी, मतलब वो पॉइंट जहां पे कर्व अपने डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और आपको उस पॉइंट पे पता लगाना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, माइनस एक्स टू एक्स थ्री आएगा, यहां से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स वन एक्स थ्री आएगा, यहां से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का एक्स वन एक्स टू आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखिए, ये भी लैम्बडा के बराबर, ये भी लैम्बडा के बराबर, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से क्या होगा, माइनस का एक्स टू एक्स थ्री किसके बराबर होगा, माइनस का एक्स वन एक्स थ्री के बराबर होगा, एक्स थ्री से एक्स थ्री कैंसिल, माइनस माइनस हट गया, तो यहां से आपके पास जो रिलेशन मिला वो मिला एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। इसी टाइप से जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो इन दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, एक्स वन से एक्स वन कैंसिल होगा, तो यहां से आपके पास रिलेशन मिलेगा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स थ्री, और इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपको मिलेगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल टू एक्स थ्री, मतलब तीनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। अब ये जो लास्ट कंडीशन दे रखी है इसमें क्या करिए, x1 तो है ही आपके पास, जहां पर x2 वहां पे भी x1 रख दीजिए, यहां पे भी x1 रख दीजिए, है ना, क्योंकि x2 और x3 की वैल्यू भी किसके बराबर है, x1 के बराबर है, तो यहां से आपके पास आएगा 3x1, 1 उधर ले जाइए, तो x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1 बाय 3, तो x2 की वैल्यू भी 1 बाय 3 और x3 की वैल्यू भी 1 बाय 3, तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल गया, और वो पॉइंट क्या मिला स्टूडेंट, 1 बाय 3 कोमा 1 बाय 3 कोमा 1 बाय 3, क्लियर है ना। अब इस पॉइंट पर चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो स्टूडेंट हर बुक्स में अलग अलग मेथड्स बता रखे हैं, पर मैं आपको एक सटीक मेथड बताऊंगा और वो मेथड आप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं करेगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना,
टेबल क्या होगी, एल वन वन माइनस के, एल वन टू, एल वन थ्री, एल टू वन, एल टू टू माइनस के, एल टू थ्री, एल थ्री वन, एल थ्री टू, एल थ्री थ्री माइनस के, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी वन, जी टू, जी थ्री, जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल के जीरो के बराबर पुट करेंगे और यहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? के की। और अगर ये के की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है, और के की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है इस पॉइंट पर, राइट। तो हमें ये पता करना है कि यार भैया के की वैल्यू क्या है। तो अब आप बोलोगे सर ये एल वन वन क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एल वन वन का मतलब होता है यहां पे फर्स्ट वेरिएबल क्या एक्स वन है, तो दो बार इसका एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। वन टू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका एक्स वन और एक्स टू, यार ये वन और ये टू, दिख रहा है। और टू वन का मतलब क्या होगा, पहले x2 फिर x1, इस टाइप से, राइट राइट। और 1 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी आपको डिफरेंशिएशन करके समझा रहा हूँ। L11 बेटा ये जो L है इसको दो बार x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो भैया यहाँ तो x1 है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। नाउ 1 2 पहले 2 के पीछे से ना, पहले 2 के रेस्पेक्ट में फिर 1 के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट पहले 2 के रेस्पेक्ट में तो हो गया, अब 1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये x1 का हो जाएगा 1, तो बचा कितना, सिर्फ x3। और x3 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, यहां पे 1 बाय 3, तो सीधा मैं लिखूंगा 1 बाय 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। नाउ 1 3 मतलब पहले 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना आया 3 के रेस्पेक्ट में, ये है। अब इसको हम 1 के रेस्पेक्ट करेंगे, राइट, 1 3 है ना, तो 1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो x1 का हो गया 1, तो बचा कितना x2, और x2 की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट, 1 बाय 3, है ना। तो इस तरह से आप सबको सॉल्व करोगे तो लगभग सभी पॉइंट्स इस तरह से आएंगे आपके पास। तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यू तो आपने निकाली। अब ये g1 बेटा, g ये रहेगा आपके पास, है ना, ये g है आपके पास, इसका 1 के रेस्पेक्ट में, दैट इज x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। भैया g1 का मतलब क्या होता है, ये समझा देता हूं, डेल g अपॉन डेल x1, राइट। तो इसका 1 के रेस्पेक्ट कितना होएगा, 1 होगा, ये भी 1 होगा, g2 भी, g2 का मतलब g3 मतलब g का x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इस सबसे भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये 0। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल के आपको के की वैल्यू निकालें। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका कोई डिटरमिनेंट हम नहीं निकालने वाले, हम सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जीरो कब होता है, जब उसकी दो लाइन एक जैसी हो, मतलब दो रो एक जैसी हो। तो भैया ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, अब यार ये और ये कब एक जैसे होंगे, जब 0 माइनस के किसके बराबर हो जाए, 1 बाई 3 के बराबर हो जाए। और ये दोनों एक जैसे कब होंगे, जब 0 माइनस के किसके बराबर हो जाए, 1 बाई 3 के बराबर हो जाए। तो k की वैल्यू कितनी हुई, माइनस 1 बाई 3, और यहाँ से भी माइनस 1 बाई 3, स्टूडेंट k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, राइट। सो हियर k इज नेगेटिव, सो दैट इज मैक्सिमा एट 1 बाय 3 कोमा 1 बाय 3 कोमा 1 बाय 3। और यहां पे जो मैक्सिमम u की वैल्यू आएगी आपके पास, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पे मतलब f है तो f की वैल्यू आएगी यहां 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 रख दीजिए, सो दिस इज 1 बाय 27। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं फिर से आपको इस मेथड को एक्सप्लेन कर दूं, बहुत ईजी मेथड है। f प्लस लेमड़ा जी, जी कंडीशन होती है ना, इनको एक साथ लिखो, फिर इसको x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x2 के रेस्पेक्ट में करना है, x3 के रेस्पेक्ट करना है, और लेमड़ा के रेस्पेक्ट करना है, क्लियर। फिर हम सभी से सॉल्व करेंगे और यहां से हम पॉइंट निकालेंगे, तो x1 x2 और x3 की वैल्यू कितनी आई यहां पे, 1 बाय 3 आई है ना, ये 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3 हमें पॉइंट मिल गया। इस 1 बाय 3 1 बाय 3 पॉइंट पर हमें चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे हम, इस टेबल में L1 L12 L13 की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होती है ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर ये L32 की वैल्यू क्या होती है, तो यार L32 मतलब क्या होगा, डेल 2L, यहाँ पे x3 और यहाँ पे x1, राइट। तो ये आप करेंगे, है ना, इन सबसे इस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू रखेंगे और बराबर इसका डिटरमिनेंट जीरो करेंगे और यहां से हम के की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पर ये बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, 4x4 की, इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत भारी पड़ता है। तो यहां हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है, मतलब उसकी दो लाइन एक जैसी होती है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे, तो ये दोनों एक जैसे कब होंगे, जब के की वैल्यू माइनस 1 बाय 3 हो जाए, और के की वैल्यू माइनस 1 बाय 3 हो जाए, तो दोनों लाइन एक जैसी हो जाए, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू क्या मिली हमें, नेगेटिव मिली, सो देयर इज मैक्सिमा
एट दिस पॉइंट। अगर हमें K की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है स्टूडेंट, पॉजिटिव मिलती तो वो क्या होता हमारा मिनिमा होता। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर एक पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो उस वाले केस में ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा ना। ये हमारा मैक्सिमम एफ 1/3 उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपके पास मैक्सिमम एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने भी एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्टेन द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ फॉर द फंक्शन दिस, ये एफ दे रखा है और ये हमें कंडीशन दे रखी है और आपको इसको सॉल्व करना है और आपको पता करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो स्टूडेंट एफ आपके पास गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 और जो कंडीशन होती है उसको हम g ले लेते हैं राइट। तो ये आपके पास ये आ जाएगा है ना। नाउ हम क्या करेंगे, l इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्बडा जी, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 राइट प्लस लैम्बडा इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 1। नाउ हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x1 तो ये आएगा 1 प्लस 2x1 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x2 तो 1 प्लस 2x2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x3 तो ये आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट 1 उधर जाएगा तो -1/2 लैम्बडा इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे -2/लैम्बडा, यहाँ से x3 की वैल्यू निकालेंगे -2/लैम्बडा। ये x1 x2 की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ रखेंगे हम। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा ये 1/4λ² 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 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये होगा 3/λ² और 1 उधर चला गया तो यहाँ से आपके पास लेमड़ा स्क्वायर की वैल्यू मिली आपको 3/4 राइट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू मिली 4/3 है ना, ये लेमड़ा स्क्वायर 3/4 मिलेगा आपको है ना। नाउ लेमड़ा की जो वैल्यू मिलेगी आपके पास वो कितनी मिलेगी, -√3/2 है ना। अब यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू 2 आई, एक तो प्लस में आई और एक माइनस में आई। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए 4λ इज इक्वल टू +√3/2 है ना। ये +√3/2 स्टूडेंट आप यहाँ रखेंगे तो जैसे ही आप √3/2 यहाँ रखेंगे किसमें, नीचे की साइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 की वैल्यू आएगी आपके पास -1/√3 है ना। x2 की वैल्यू भी यही आएगी और x3 की वैल्यू भी यही आएगी तो आपका जो पॉइंट होगा वो आएगा -1/√3 राइट। फिर हम करेंगे 4λ2 इज इक्वल टू -√3/2 उठा के आप यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/2 2 से 2 कैंसिल। सो यहाँ जो आपके पास वैल्यू आएगी x1 की वो आएगी +1/√3, इस टाइप से x2 भी आएगा, इस टाइप से x3 भी आएगा तो आपके पास जो पॉइंट मिलेगा 1/√3 मिलेगा, 1/√3 मिलेगा और 1/√3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दो पॉइंट अलग अलग मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट मिल रहा है और एक ये पॉइंट मिल रहा है, पॉजिटिव के लिए ये मिल रहा है, नेगेटिव के लिए ये मिल रहा है। अब इन दोनों पॉइंट पर चेक करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो वही सेम आप क्या करेंगे, ये टेबल निकालेंगे है ना। इस टेबल में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे राइट। L11 है ना, L11 दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो स्टूडेंट x1 तो ये रह गया, इसका एक और बार हम x1 के रेस्पेक्ट करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2λ आएगा राइट। तो 2λ माइनस के, अब 1 2, पहले 2 के रेस्पेक्ट में फिर 1 के रेस्पेक्ट में, 1 तो इधर है ही नहीं तो ये 0 आ जाएगा, इस टाइप से ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 2λ माइनस के 0 0 0, 2λ माइनस के राइट। नाउ g1 की वैल्यू कितनी है, g1 है, इसका डिफरेंशिएशन होगा आपके पास 2x1, ये आएगा 2x2 2x3 2x1 2x2 2x3 और 0 = 0। तो स्टूडेंट मैंने आपको फिर से बोला था कि इसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या होती है, सेम होगी, ये दोनों सेम है। अब आप बोलोगे सर सेम कहाँ, एक तो x1 और एक x2 है, पर भैया आपके पास जो पॉइंट आया उसमें इधर भी x1 x2 दोनों सेम आ रहे हैं, इधर भी x1 x2, अगर ये पॉइंट लेंगे तो भी x1 x2 सेम आएगा, ये पॉइंट लेंगे तो भी x1 x2 सेम आएगा, तो ये दोनों सेम है राइट। अब ये दोनों भी क्या हुआ स्टूडेंट, सेम है। अब ये दोनों सेम कब होंगे, जब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 2λ - k 0। और ये भी कब हो जाए सेम, जब ये 0 हो जाए, दैट इज अगेन 2λ - k = 0। तो स्टूडेंट के की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 2λ आई। अब हम बात करेंगे किसकी, ये पॉइंट की बात करेंगे, किसकी, ये वाले का ना। सो 4λ इज इक्वल टू √3/2 और जैसे ही √3/2 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू कितनी आएगी, √3 और √3 है ना, पॉजिटिव आ रहा है के, और पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट राइट। सो हियर देयर इज मिनिमा एट
पॉइंट इस पॉइंट को रखने पर ये मतलब ये रखने पर पॉइंट ये आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, माइनस का वन बाय रूट थ्री, माइनस का वन बाय रूट थ्री एंड माइनस का वन बाय रूट थ्री आएगा, राइट। फिर हम बात करेंगे फोर लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री बाय टू रखेंगे, जैसे ही रूट थ्री बाय टू यहाँ के की वैल्यू में रखेंगे आप, है ना, टू लैम्बडा, और ये भी के की वैल्यू क्या आ रही है, टू लैम्बडा आ रही है, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे के की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाय टू रखेंगे तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी स्टूडेंट, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो क्या आएगा, देर इज मिनिमा, ओ सॉरी मैक्सिमा, नहीं नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है एट, अब ये जो लैम्बडा है इस लैम्बडा पे आपका जो पॉइंट है वो ये वाला है ना, तो वो पॉइंट क्या आएगा, वन बाय रूट थ्री कोमा वन बाय रूट थ्री कोमा वन बाय रूट थ्री। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर तो मिनिमा होगा और इस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, और ये पॉइंट आप रखेंगे यहाँ पे तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लास्ट एक दो क्वेश्चन और देखिए फिर इसको खत्म करेंगे। सो दो क्वेश्चन और देखिए, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो यूज द मेथड ऑफ लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेलोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। तो एक इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड आपको पता है ना ऐसा होता है, राइट, है ना। इसके अंदर आप कितने मैक्सिमम वॉल्यूम का आप क्या रख सकते हैं, पैरेलोपाइड रख सकते हैं, क्लियर है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये जो पैरेलोपाइड है जो इस एलिप्सॉइड के अंदर है, है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2x into 2y into 2z होता है ना, ठीक है। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आएगा, वॉल्यूम एट एक्स वाई जेड आएगा, पर कंडीशन ये कि ये इसके अंदर होना चाहिए, है ना। तो जो कंडीशन होती है उसको हम क्या मानते हैं स्टूडेंट, जी मानते हैं। तो यहां पे आपके पास जो जी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन। तो यहां पे आपको चेक नहीं करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ऑब्वियसली मिनिमा तो हो नहीं सकता है तो मैक्सिमा ही होगा। तो सीधा आपको क्या निकालना है, इसकी डायमेंशंस निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, राइट। तो हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू वी प्लस लैम्बडा जी। सो एल इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, एट एक्स वाई जेड प्लस लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा एट वाई जेड 2x लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर बराबर जीरो। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो 8xz प्लस 2y लैम्बडा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z, तो 8xy प्लस 2z लैम्बडा अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आपको यहां से क्या करना है, इस चारों इक्वेशन से x, y और z की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। हम क्या करेंगे यहां पे, जो इक्वेशन नंबर वन है उसको आप x से मल्टीप्लाई करिए, टू को y से मल्टीप्लाई करिए और थ्री को z से मल्टीप्लाई करके एड करिए। तो बेटा इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एट एक्स वाई जेड आएगा, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एट एक्स वाई जेड आएगा, और इसको भी करेंगे तो ये एट एक्स वाई जेड आएगा। तो इन तीनों को एड करेंगे तो ये आएगा 24xyz प्लस। अब देखिए आप यहाँ पे भी आप x से मल्टीप्लाई, तो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ रहा है एक्स टू एक्स स्क्वायर लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर, वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू वाई स्क्वायर लैम्बडा अपॉन बी स्क्वायर, z यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है तो टू जेड स्क्वायर लैम्बडा सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये टू लैम्बडा कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना, बराबर जीरो करेंगे इसको, ठीक है। पर स्टूडेंट हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वन। ये वन उठा के आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 24xyz प्लस टू लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्बडा की वैल्यू आई आपके पास 12xyz। ये लैम्बडा की वैल्यू आप चाहें तो इसमें रख दें, आप चाहें तो इसमें रख दें, आप चाहें तो इस पे रख दें। तो ये लैम्बडा की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर वन में रखता हूँ, तो बाय इक्वेशन नंबर वन, तो इक्वेशन नंबर वन में आप रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 8yz, और ये लैम्बडा उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 24xyz बराबर जीरो, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे 8yz तो कॉमन आ रहा है आपका, तो यहाँ तो बचा आपके पास 1, है ना, और ये माइनस है यहाँ पे अंदर, तो ये 24 में से 8yz कॉमन आ गया, तो ये बचा आपके पास 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो में गया, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी a बाय रूट थ्री, राइट, है ना। प्लस माइनस आएगा पर ऑब्वियसली डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और आप इसको अब ये देन ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी b बाय रूट थ्री, और जब यहाँ रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी c बाय
रूट थ्री, तो ये ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ ए बाई रूट थ्री रखेंगे, वाई की जगह बी बाई रूट थ्री रखेंगे, जेड की जगह सेट ए बाय पी आएगा, ए बाय रूट थ्री बी बाई रूट थ्री एंड सी बाई रूट थ्री, तो स्टूडेंट ये आएगा 8abc अपॉन 3√3, ये इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पॉइंट आ रहा है ना वो पॉइंट हमेशा मैक्सिमम ही देगा, मिनिमम तो क्या होगा, होगा ही नहीं कुछ भी, है ना। आपसे बोले कि भाई इस एलिप्सॉइड के अंदर कितना मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम का पेलोपेट रख सकते हो, ऑब्वियसली रखो ही मत, जीरो है ना, पर मैक्सिमम रख सकते हैं, तो वो मैक्सिमम क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए बाई रूट थ्री आएगा ना, पर आप प्लस लेंगे, नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, क्लियर। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लान दिस एट विच द पॉइंट फंक्शन दिस एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हैज अ मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड द मिनिमम ऑफ एफ, राइट। तो अब क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है वो तो ठीक है ना, यहाँ पे एफ तो आपको दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जी आपको क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी, नाउ एल लिखा लेंगे हम, एफ प्लस लैम्बडा जी, है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्बडा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी, नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा टू एक्स लैम्बडा ए इज इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, टू वाई प्लस लैम्बडा बी इज इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो टू जेड प्लस लैम्बडा सी इज इक्वल टू जीरो, नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू आएगी माइनस लैम्बडा a अपॉन टू, यहाँ से y की वैल्यू आएगी लैम्बडा b अपॉन टू, और यहाँ से z की वैल्यू आएगी माइनस का लैम्बडा c अपॉन टू। पर स्टूडेंट हमें यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी, तो ये एक्स वाई जेड उठा के क्या रखेंगे आप, यहाँ रखेंगे, तो जैसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये आपके पास दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी बराबर जीरो आया है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के वहाँ रखिए, है ना, यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये माइनस लैम्बडा बाई टू, ये आएगा माइनस का लैम्बडा ए स्क्वायर बाई टू माइनस का लैम्बडा बी स्क्वायर बाई टू माइनस का लैम्बडा सी स्क्वायर बाई टू, और पी उधर ले जाएंगे आप, राइट, यहाँ से लैम्बडा कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, है ना, माइनस लैम्बडा कॉमन ले लीजिए आप, और बाई टू भी कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो आपके पास जो लैम्बडा की वैल्यू आई वो माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये लैम्बडा की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखिए, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी, देखो ये लैम्बडा की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो ये टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास जो एक्स आया वो आया ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वाई की वैल्यू आई बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड की वैल्यू आएगी सी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब आप यहाँ पे वो जो मैट्रिक्स बनाए उस मैट्रिक्स में आप चेक कर सकते हो, तो के की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर आप तो बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, बराबर जीरो है ना, एल वन वन, इसको एक और बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा टू माइनस के, है ना, वन टू, है ना, वन टू का इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आएगा, है ना, नाउ ये भी जीरो आएगा, ठीक है, ये भी जीरो आएगा, ये टू माइनस के जीरो 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 टू माइनस के आएगा, राइट। नाउ अब जी वन, ये जी तो आपने निकाल ही लिया था, है ना, और इसका जी वन तो ये आएगा ए, राइट, देन ये आएगा आपके पास बी, ये आएगा सी, ए बी और सी और जीरो, आप बराबर करोगे तो के की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी टू ओ टू, और ये टू ओ टू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, सो देर इज क्या आएगा, मिनिमा, और आप ये पॉइंट उठा के कहाँ रख दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए एफ के अंदर, तो मिनिमम एफ की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी, उठा के यहाँ रखेंगे आप, तो ये आएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नाउ बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट आप यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये पी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर भी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पे वैल्यू आएगी पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरी जो लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सो दैट कि आपको आगे का
अच्छा कंटेंट मिले। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन अकेडमी में मुझे फॉलो करें। प्लस जनवरी फरवरी में जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले हैं और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूं। सो आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए और कमेंट ज़रूर करें सो देट कि मुझे लगे कि हाँ आप मेरा वीडियो देख के आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है, सो देट कि मैं आपको और अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ लेके आऊँ। और जो मेरे वीडियोज़ डले हुए हैं पहले ऑलरेडी, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देखें, क्योंकि स्टूडेंट ढूंढते हैं बोले सर हमें वीडियोज़ नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो आप लिस्ट में जाके देखिए, वहां पे हर वीडियोस मिलेगा आपको टॉपिक वाइज डाल रखे हैं। और लास्ट में आपके स्क्रीन में नजर भी आएंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आई पे यहां भी आप प्रेस करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।